ये तस्वीरें गुजरात के अमरेली से सामने आई, जहां चार युवकों को समंदर में नहाना भारी पड़ गया। ये चारों युवक समंदर में अचानक आए हाई टाइड की चपेट में आकर बहने लगे। गनीमत रही कि मौके पर स्थानीय बीजेपी विधायक हीरा सोलंकी मौजूद थे और उन्होंने इन चारों युवकों को बहते हुए देख लिया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना छलांग लगा दी और बचाव का प्रयास किया। इतने में गोताखोरों का एक दल आ गया और तीन युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि चौथे युवक के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। यह घटना अमरेली जिले के राजुला के पास समुद्र तट का है। जानकारी के मुताबिक विधायक हीरा सोलंकी किसी काम से समुद्र तट पर गए थे। इस दौरान समुद्र में कई लोग नहा रहे थे, इन्हीं में ये चार युवक भी थे जो अटखेलिया कर रहे थे। अचानक से समुद्र की लहरों में हाई टाइड आ गया और चारों उसकी चपेट में आकर बहने लगे। तेज बहाव की चपेट में उन्हें बहते देखकर विधायक ने उन्हें बचाने के लिए छलांग लगा दी। इतने में किनारे पर खड़े गोताखोरों की टीम भी आ गई। बड़ी मुश्किल से इन चार में से तीन युवकों को तुरंत बाहर निकाल लिया गया, लेकिन चौथे युवक बहाव के साथ बह गया। विधायक ने बताया कि इस युवक की भी तलाश कराई जा रही है। इसके लिए गोताखोरों की एक टीम लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि देर शाम को इस चौथे युवक का टीशर्ट तो मिल गया, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि इस युवक के बचाव के लिए अब स्थानीय युवाओं की टीम भी तलाश कर रही है। इसके लिए पूरे एरिया में लोग सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। उधर स्थानीय लोगों ने बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ ही समंदर में नहाने वालों की तादाद तेजी से बढ़ी है। हालांकि यहां नहाने वालों को पहले ही सचेत कर दिया जाता है, उन्हें हाई टाइड से बचने और गहरे समंदर में जाने से भी मना किया जाता है। बावजूद उसके कुछ लोग प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज करके समंदर में चले जाते हैं। ऐसे हालात में कई बार दुर्घटना की चपेट में भी आ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए